धन्यवाद आप सबको, नव वर्ष की शुभकामना, आप सबका भविष्य विकसित हो और हमारा देश समृद्धशाली हो और कोरोना की महामारी से हम बचे। बाबू जी, स्वास्थ्य जगत में आपके अमूल्य कार्य हैं। अभी देखा जाए तो कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावी ऐसी दिख रही है। नागपुर में भी नंबर बढ़ते जा रहे हैं, साथ साथ पूरे भारत में नंबर बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह की तैयारी आपकी इस लड़ाई के लिए है? तैयारी के पहले मैं आपको कोरोना की कुछ जानकारी देना चाहूँगा। इस जानकारी में भारत की जनता और सरकार दोनों का दायित्व आता है। कोरोना की तीसरी लहर आने के 40 दिन पहले, लगभग 1.5 माह पहले, हम भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार से विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना की महामारी बढ़ने के पहले विदेशों से जो हमारे यात्री आ रहे हैं उनका क्वारंटाइन किया जाए, जो कि अनेक कंट्री में 14 दिन का होता है। उस पर हम फिर तीसरी बार सक्षम नहीं रहे कंट्रोल करने में, इसलिए महामारी यहाँ आ गई है। और अभी आपको जो फिगर मिल रहा है वो शायद 30,000 प्रतिदिन के मिल रहे हैं, बहुत जल्दी 3 लाख प्रतिदिन हो जाएंगे, बहुत जल्दी 10 लाख प्रतिदिन हो जाएंगे। यह समीक्षा भारत सरकार के विश्वस्त लोगों की है, वर्ल्ड की है, क्योंकि आज अमेरिका में 10 लाख पेशेंट प्रतिदिन आ रहे हैं, वहीं 2 लाख पेशेंट्स लंदन में आ रहे हैं यूके में, वहीं इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है और अन्य कंट्री में आ रहे हैं। इसमें इजराइल जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता था वहाँ भी आ रहे हैं, रसिया के अंदर भी काफ़ी आ रहे हैं, रसिया है, तंजानिया है। खैर, कोरोना महामारी है, सबको मालूम है, इसमें सावधानी रखना सरकार बार बार घोषणा करती है, उसके बाद में इलाज करना। इलाज के अंदर पिछले बार हमने देखा रेमडेसिविर वो ऑक्सीजन के कारण लाखों लोगों की मौत हुई। हमने अनेक बार भारत सरकार से ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की गुजारिश की और रेमडेसिविर और ऑक्सीजन में ब्लैक मार्केटिंग हुई 500% की, 1000% की, वो भी बड़ी दुखदायी घटना रही है। पर सबसे पहले ये बीमारी जिसके बारे में सब कह रहे हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं कहता घबराने की बात नहीं है, सावधानी की बात है। सावधानी रखे, रूम में क्वारंटाइन अपने घर में हो। जिन भाइयों के यहाँ क्वारंटाइन क्षमता नहीं है उनके लिए अलग सेंटर सामाजिक संस्थाओं ने और सरकार ने खोले हैं, वहाँ पे रहवे। और रही है कोरोना की बात, यह अभी आपको पोस्टर दिख रहा है, जैसे हम पिक्चर जाते हैं ना तो पोस्टर दिखता है, फिर हमको कहीं ट्रेलर दिखती है और कहीं बाद में फिल्म भी देखने में आती है, तो इसकी फिल्म इसी माह में देखने को मिलेगी और इसका पिकअप फरवरी में आएगा, ये समीक्षा है। तो देखा जाए तो अभी तक के आपके राधाकृष्ण हॉस्पिटल सेंटर की ओर से कोरोना के विशेष पर भी ध्यान दिया गया, साथ ही साथ अलग डिसीज पे भी बहुत ध्यान दिया। रामटेक में जो हॉस्पिटल आपका शुरुआत हुआ वहाँ पे अभी तक के 200 से ज़्यादा अपना ऑपरेशन भी हो चुके हैं, वो किस तरह की तैयारी रामटेक के हॉस्पिटल में चल रही है? राधाकृष्ण हॉस्पिटल में मेरे बाजू में डॉक्टर कैदलवार साहब बैठे, राकेश कैदलवार जी, जो हमारे हॉस्पिटल के एडवाइज़र और चीफ ऑफ द मेडिकल है। इन्होंने काफ़ी व्यवस्था की है, नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से औपचारिकता पूरी करके कल ही हमको लेटर मिल गया है कोरोना पेशेंट्स लेने का। उसकी फॉर्मेलिटी होती है, उसके कुछ सिस्टम्स होते हैं। आज मैं गौरव से कह सकता हूँ कि नागपुर के हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर, सबसे ज़्यादा बाईपैप, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का अरेंजमेंट और सबसे ज़्यादा हार्ट के मॉनिटर्स और ऑक्सीजन प्रेशराइज मशीन्स, अन्य मशीनें शायद मध्य भारत में सबसे ज़्यादा हमारे पास है। और डॉक्टर साहब के निरीक्षण में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स, आरएमओ, नर्सेस और वार्ड बॉयज, हेल्पर्स, इनकी भी टेक्नीशियंस ज़रूरत होती है। तो राधाकृष्ण हॉस्पिटल और रामटेक की जानकारी डॉक्टर कैदलवार जी देंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं राधाकृष्ण हॉस्पिटल कोविड की सुविधाओं में और सभी हेल्थ केयर सुविधाओं में अग्रसर रहा है। हमें जो फर्स्ट वेव, सेकंड वेव में जो एक्सपीरियंसेस और अनुभव आए हैं उसी तरीके से जो नई वेव आई है
उस विषय में हमें कुछ गाइडलाइन सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर ने, हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर्स, म्यूनसिपल काउंसिल्स, उनके हेल्थ इंस्पेक्टर्स ने, महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स है, उनसे भी कुछ प्राप्त हुए। तो उनके सभी के जो अनुभव है, उनकी खुद की स्टडी है, और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके सभी कंसर्न्स के हिसाब से हमने अपनी तैयारियां की है, जिसमें से प्रमुख तैयारियां ऐसी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेशंस बना पाए। आइसोलेशन सुविधा में हमारे पास जो भी रूम्स है उसमें सभी जगह ऑक्सीजन की सुविधा हो, अस्पताल में जो ड्रग्स लगती है इस डिसीज़ के संबंधित उसकी अवेलेबिलिटी हो, जो इन्वेस्टिगेशंस हमको फास्ट लगती है उस इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपरली हमारे पास नोटिफाइड हो। ऑक्सीजन की सुविधा के लिए हमारे पास पिछली बार कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, पर ईश्वर की दया से और कुछ अच्छे सहभागियों की वजह से हमें ये डोनेशंस भी प्राप्त हुए, वो प्लांट भी हमारा ऑपरेशनलाइज हो गया, जिससे हमको भविष्य में ऑक्सीजन की कोई भी कमतरता नहीं रहेगी, इसकी पूरी की पूरी हमने व्यवस्था कर ली है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जो कि लंग संबंधित, जैसे पल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं, मेडिसिन आईसीयू संबंधित डॉक्टर्स हैं, हार्ट के कुछ मरीज इसमें आए, हार्ट संबंधित डॉक्टर्स हैं, तो पूरी डॉक्टरों की टीम जो है हमारी, पूरी की पूरी टीम्स के हमारे ट्रेनिंग्स, प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेशन हो चुके हैं, उनके पूरे हमने प्रोटोकॉल सेट कर लिए। तो इस प्रकार से पूरे पूरे हॉस्पिटल में 150 बेड हमारे जो है, उस हिसाब से हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है। उस 150 में हम लोग जो फेज़ वन है, उसमें जो हमारे पास दो बिल्डिंग है, वाई और एल बिल्डिंग, उस दोनों बिल्डिंग को सेपरेट किया हुआ है, और एल बिल्डिंग में जो कि हम लोग कोविड का फर्स्ट फेज स्टार्ट कर रहे हैं, और जैसे बढ़ते रहेगा और नंबर्स बढ़ेंगे, तो हम जो वाई बिल्डिंग है, जो हमारी सामने फ्रंट बिल्डिंग है, उसको भी पूरी तरीके से हम लोग कोविड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी पूरी व्यवस्था रखी है। मैं ये आपको बोलना चाहूँगा कि ऐसा होता है कि जब कोविड का वेव आती है तो पूरे अस्पताल कोविड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बहुत सारी दिक्कतें नॉन कोविड पेशेंट्स को भी आती हैं, जिनकी सर्जरीज है, पेंडिंग है, गायनी है, जिनकी डिलीवरीज होनी है, सीजर होना है, और ऐसे अस्पताल में ऐसे लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती। तो हमारा इस बार का जो स्ट्रैटेजी है, उसमें हमने दोनों की व्यवस्था रखी है कि कोविड पेशेंट जो आते हैं उनको भी सुविधा मिल पाए, और जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनको भी सुविधा मिल पाए। क्योंकि आपने रामटेक की भी बात बोली है, तो रामटेक भी हमारा एक 100 बेडेड हॉस्पिटल है। रामटेक का जो हमारा अस्पताल है वो 100 बेड का अस्पताल है, जिसमें से हम लोग 12 बेड का आईसीयू है। पूरे रामटेक में कोई भी इंटेंसिव केयर यूनिट नहीं है, वो हमारा पहला इंटेंसिव केयर यूनिट है, और हमने पहली डायलिसिस यूनिट भी वहाँ डाली, तो 2 बेड का डायलिसिस, जहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, सीकेडी पेशेंट्स होते हैं, तो उनके लिए भी हमने वहाँ व्यवस्था रखी है कि उनको भी ऐसे कोविड संभ्रम में इतना दूर नहीं आना पड़े, उनको वहीं पे व्यवस्था मिल जाए। तीसरी बात है कि जो इन्वेस्टिगेशंस लगती है, जैसे RT-PCR हो, एंटीजन हो, बाकी की जो इन्वेस्टिगेशंस लगती है ब्लड रिलेटेड, वो पूरी की पूरी व्यवस्था हमने वहाँ पे कर ली है। वहाँ पे जो खान पान है उसकी भी काफ़ी व्यवस्था हमने नेचुरल पर्स्पेक्टिव से वहाँ पे की हुई है। तो रामटेक में भी हम लोग वहाँ बहुत सारे लोगों को नागपुर नहीं आना पड़े, और क्रिटिकल पेशेंट्स को भी हम वहाँ ट्रीट कर पाए, ऐसी पूरी की पूरी व्यवस्था की है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता, मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन देखती हूँ राधा कृष्ण हॉस्पिटल में। हम ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए इन्फेक्शन को देखते हुए, सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि इन्फेक्शन ना बढ़े, लोग कोविड प्रोटोकॉल को प्रॉपरली फॉलो करें, लेकिन फिर भी अगर इन्फेक्शन बढ़ता है तो जैसा कि सर ने बताया, हम लोगों की तरफ से हमको तैयारी करनी ही है। तो तैयारी हम इस तरह से हमने चला रखी है कि हम नॉन कोविड और कोविड, ये दोनों सुविधाएं जो है हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे। कोविड के लिए हमने एक अलग से सेक्शन तैयार करके रखा हुआ है, हमारे पास में एक काफ़ी मजबूत टीम है, क्वालिफाइड कंसल्टेंट्स हैं, स्टाफ है, और पूरी तैयारी जो कोविड प्रोटोकॉल्स के हिसाब से चाहिए है वो हमने अपनी तैयारी करके रखी हुई है। तो इस तरह से जो है हमने कोविड और नॉन कोविड दोनों ही चालू रखने का इरादा रखा है, ताकि देखिए ये चैरिटेबल हॉस्पिटल होने की वजह से यहाँ चार्जेस काफ़ी कम है। अगर नॉन कोविड सुविधाएं जो है वो बंद हो जाती है, तो सस्ते दरों में जो इलाज नॉन कोविड मरीजों का हो रहा है वो एक तरह से बंद हो जाता है। इसीलिए हमने अभी फिलहाल इस कंडीशन में तो ये प्लान करके रखा हुआ है कि कोविड और नॉन कोविड दोनों ही सुविधाएं हम एक साथ चालू रखेंगे, और इसके लिए हमारे पास में वैसी फैसिलिटी है भी। हमारे पास में 2 बिल्डिंग्स हैं, लिफ्ट अलग अलग हमारे पास में है, तो गेट और रोड जी,
तो हमारे गेट्स अलग अलग हैं, लिफ्ट की सुविधाएं अलग अलग है, बिल्डिंग टोटली अलग है। तो जब तक हमारे लिए पॉसिबल होगा हम दोनों सुविधाएं चालू रखेंगे। इसके बाद जैसा कि हम नहीं चाहते हैं कि संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़े, अगर होता है तो हम पूरी तरह से कन्वर्ट होंगे और उसके लिए भी हमारी पूरी टीम जो है सुसज्ज टीम हमारी जो है वो पूरी तरह से तैयार है। आज बाबू जी का जन्मदिन भी है, क्या एक शुभकामना आपके लिए? जी, जैसा कि सर ने बताया कि वी कंसिडर हिम इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी। मैं भी जब से इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ मैंने देखा है काफ़ी जोश के साथ में सुबह से जो 5 बजे से जो इनका क्रम शुरू हो जाता है काम करने की, जो कैपेसिटी इनकी है से लेकर रात तक अविरत बिना थके ये जो काम करते रहते हैं, इन्हीं से हम लोगों ने मोटिवेशन बनाया है, हासिल किया है और बस इनकी राह पे हम लोग चलते रहना पसंद करेंगे। और हम दुआएं करते हैं ईश्वर से कि इनको हेल्दी और प्रॉस्परस लाइफ आगे मिले और इसी तरह से ये हमको प्रेरणा देते रहे और हम इनसे इंस्पायर्ड होकर हम भी अच्छा अच्छा कार्य करते रहें।